हेलो स्टूडेंट्स, निंजा टेक्निक सीरीज की आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालना। हम लोग आज 30 से लेके 130 नंबर तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जो कि हमारे सवालों में कई बार यूज होता है। बहुत बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर टेक्निक हम लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। बट ये नंबर्स का स्क्वायर अगर हम लोग सीख जाते हैं, तो हम जो हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, जहां पे हमको निकालना मजबूरी होती है, वैसे सवालों में हम लोग फटाक से स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज जितने भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है उसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट होगा जो हमारे नंबर्स 50 के पास में, 50 के पास के नंबरों को लिए हम लोग बेस बनाएंगे 50 को, और उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उस फॉर्मूले से वो सारे के सारे नंबर्स का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। फिर दूसरे टाइप के हमारे नंबर होंगे जो 100 के पास में होंगे, उस पर हम लोग बेस 100 बनाएंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग 50 वाले पास में, 50 के पास में जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है? 25 प्लस डी और डी स्क्वायर, जहां पर डी लिखा हुआ है एन माइनस 50, मतलब जो भी नंबर है उसमें से 50 को घटा देंगे। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो डी होता है वो 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है। जैसे अगर ये हमारा 50 से ज्यादा है तो हमारा धनात्मक वैल्यू आएगा, अगर ये हमारा 50 से कम है तो क्या आएगा? ऋणात्मक वैल्यू आएगा। जैसे 49 है तो क्या जाएगा? माइनस 1। तो 49 हमारा 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो हम बस ये देख लेंगे कि जो हमारा नंबर है वो 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है। अगर हम लोग फॉर्मूले को बार बार याद करेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एन माइनस 50 लिखना है, 50 माइनस एन लिखना है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि 50 से नंबर कम है तो माइनस, 50 से ज्यादा है तो प्लस, जितना कम है उतना माइनस, जितना ज्यादा है उतना प्लस। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये पूरा नंबर है और ये पूरा नंबर है, लेकिन जो डी स्क्वायर है इसको हम लोग दो डिजिट में लिखते हैं। जैसे सपोज करिए डी का मान हमारा आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमको 1 नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है? दो डिजिट में हम लोग 01 लिखेंगे। अगर कोई सिंगल डिजिट आता तो उसके पहले हम लोग 0 लगा लेंगे। लेकिन मान लो डी का मान जैसे आ गया हमारा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 121। तो हम लोग को 121 नहीं लिखना, हम लोग को 21 लिखना है, और ये जो 1 है ये इसको पीछे वाले इस वाले नंबर में जोड़ देना है, जो 25 प्लस डी आएगा वहां पे हमको जोड़ देना है। चलिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो मैंने दो एग्जांपल लेता हूं, एक 49 का स्क्वायर लेता हूं और एक 61 का स्क्वायर लेता हूं। तो ये जो 49 है ये हमारा 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो अगर मैं डी की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। ये 61 हमारा 50 से कितना ज्यादा है? तो ये हमारा 11 जाता है, तो यहां पे डी हमारा कितना आ जाएगा? प्लस 11। तो हमें फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस डी है, अगर डी धनात्मक है तो 25 में जुड़ेगा, अगर डी ऋणात्मक है तो 25 में घट जाएगा। यहां पे क्या होगा? 25 में घट जाएगा। 25 में एक घटेगा कितना आ जाएगा? 24, और एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन हमें क्या लिखना है? दो डिजिट में, तो हम लोग 01 लिख देंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो 25 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। 21 यहां लिखा, जो 1 है इसमें जोड़ देंगे, तो 36 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, 50 के पास में जो भी नंबर है उनका स्क्वायर निकालते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे 43 है, अगर मैं बात करूं इस केस में हमारा डी क्या हो जाएगा? 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो माइनस 7 हो जाएगा। 25 में से 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 18, और 7 का ही स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्लियर? 47 की बात करें तो ये हमारा 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 25 में से 3 घटा दिया कितना आ गया? 22, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 09। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 49, 50 से कितना कम है? 1, तो 25 में 1 घटा दिया कितना हो गया? 24, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 01 आ जाएगा। 58 हमारा 50 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ देंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 53, 50 से कितना ज्यादा है? 3, तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 09 आ जाएगा। 54, 50 से कितना ज्यादा है? 4, तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 4, कितना हो जाएगा? 29, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी फटाफट आप आंसर्स निकाल सकते हो। और नंबर्स का देखते हैं। 57, 50 से कितना ज्यादा है? 7, तो 25 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया? 32, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 39 हमारा कितना कम है? 11, तो 25 में अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, भाई यहां पर हमारा 14 हो गया, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 121, तो 1 हमें क्या करना है? इसमें जोड़ देना, तो ये 14 और 1 हमारा मिलकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? 63 हमारा 50 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
लेकिन 13 पहले 25 में 13 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में एक और ऐड कर दोगे तो 39, और 69 भाई 13 का स्क्वायर 169 था, तो एक आया था आखिरी में 69 बच जाएगा। 67 कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 25 में 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 42, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 2 आपका यहां पे जुड़ जाएगा और 89 आपका यहां पे आ जाएगा, तो ये 42 के बाद में क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको ये दो बार में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टार्ट में कंफ्यूजन होता तो दो पार्ट में लिखो, एक 25 प्लस डी लिखो, एक डी स्क्वायर लिखो, और डी स्क्वायर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो 25 प्लस डी में जोड़ दो। यहां पर अगर हम बात करें तो कितना है 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, तो 5 जुड़ेगा, 25 और 23 जोड़ोगे कितना है 48 है, और आपको क्या जोड़ना है 529, भाई ये 29 यहीं पर रहेगा और ये 5 इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। स्टार्ट में आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उसको शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। अगर 33 की बात करें तो 50 से कितना कम है 17 कम है, तो 25 में से अगर 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 8 और 289, तो 8 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहां पर 10 हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इसको एक ही बार में लिख दोगे। उम्मीद है कि ये 20-50 वाले सारे नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्या काम करिएगा कि 31 से लेके आपको 70 या आप 79 तक कोशिश करिएगा खुद से निकालने के लिए। 74 तक भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का जो नंबर है उसको हम लोग 100 बेस में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 31 से 79 तक इस मेथड से निकाल के प्रैक्टिस करिएगा। जब एक्चुअल होगा तो 74 तक हम इधर से करते हैं, और 74 के बाद 76 से हम लोग 100 बेस पे कर लेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो हमारे 100 के पास में होंगे, और 100 के पास में हम लोग बेस क्या बनाएंगे 100, और यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे n प्लस डी और डी स्क्वायर। यहां पे भी जो d है वो उसी तरीके से वर्क करेगा जैसा हम लोगों ने 50 बेस वाले में देखा है। वहां पे हमारा क्या था 25 में हम लोग d को जोड़ या घटा रहे थे, यहां पे हमारा क्या है जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं उसी में हम लोग d को जोड़ेंगे और घटाएंगे। d हमारा अभी भी वही है, लेकिन d अब क्या है 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है। अगर मैं बात करूं दो नंबर में फिर से ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं 98 ले लेता हूं, और एक मैं ले लेता हूं 113 ले लेता हूं। अगर मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है और 113 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर 98 100 से मेरा कितना कम है 2 कम है, तो d का मान कितना हो गया -2 हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है इसी नंबर में से इसको घटा देना है, तो 98 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 96, और अगर इसका स्क्वायर करोगे 4 तो हमें दो डिजिट में लिखना है तो क्या हो जाएगा 04 हो जाएगा। यहां पर अगर हम d की बात करेंगे तो d हमारा कितना आ जाएगा 100 से कितना ज्यादा है 13, तो हमें नंबर में इसको जोड़ना है, तो 113 में 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 13 के स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा 169, और 1 इसमें चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए 100 बेस पे भी मैंने कई सारे एग्जांपल ले रखे हैं, उन सारे एग्जांपल्स को देखते हैं और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। 93 100 से हमारा कितना कम है 7 कम है, भाई यहां पर डी हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है इसी में से इसको घटाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी से हम स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। अगर यहां पर बात करेंगे तो मेरा क्या है d माइनस का 3 है, 97 में से 3 घटाओगे 94, और 3 का स्क्वायर करोगे 09 हो जाएगा। 99 हमारा कितना कम है 1, एक और घटा दो तो हमारा कितना जितना कम है उतना और घटा दो 98, और 1 का स्क्वायर 01। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना और जोड़ दो, तो 108 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर। 103 3 ज्यादा है 3 और जोड़ दिया कितना हो गया 106 हो गया, और 3 का स्क्वायर 09, जितना ज्यादा उतना जोड़ दो 104, 4 ज्यादा है तो 108 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां पे देखते हैं 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दिया तो 114, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 89 हमारा कितना कम है 11 कम है, तो 11 घटा दो, जितना कम है उतना और घटा दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 78, और 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है एक को इसके साथ जोड़ लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 7921 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 89 में से अगर हम 11 घटाएंगे 7 और 8 बचेगा और 121 हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा। 113 की बात करें तो हमारा कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 113 और 13 कितना हो जाएगा 126, और एक और आ जाएगा 169 का, तो ये कितना हो जाएगा 127 और 69 हो जाएगा। 117 17 हमारा ज्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, दो हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा,
तो 17 और जोड़ देंगे 34, 34 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 8 9 लास्ट में आ जाएगा। देखो जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे और अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आप फटाफट कैलकुलेट भी करते चले जाओगे। ये हमारा कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, अब 5 हमारा बढ़ेगा तो 23 23 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा 51, तो 151 और 29, 529 वाला 29 आ जाएगा। 83 हमारा कितना कम है 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 2 हमारा आगे आएगा। हमें क्या करना है 17 घटाना है, तो अगर 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 66, और अगर 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप फॉर्मूले से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। अब मुझे कुछ वैल्यूज याद है तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं भी याद है तो आप धीरे धीरे करो, फॉर्मूला यूज करके लिख के उसको सॉल्व करो और फिर आंसर तक पहुंचो धीरे धीरे। लेकिन जब आप बार 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 करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और जल्दी से आप भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको ये 100 बेस वाले भी क्लियर हो गए होंगे। तो 100 बेस के लिए आप क्या करोगे कि 76 से लेके आपको 129 तक के स्क्वायर आपको निकालने हैं प्रैक्टिस के लिए। जितने मैंने लिख दिए हैं ये तो लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 76 से लेके 129 तक के आप खुद निकालोगे। अच्छा, जैसे अगर कोई भी नंबर है जिसके अंत में हमारा 5 होता है, अगर हमें इसका स्क्वायर करना है, ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे मालूम है कि आप में से सभी लोगों को लगभग मालूम होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं कि अंत में 25 लिख देते हैं और एक से एक नंबर बढ़ा के ए ए प्लस वन इनका गुणा करके यहां पे लिख देते हैं, इन दोनों का गुणा यहां पर, उसके अंत में क्या लिख देते हैं 25। जैसे अगर मैं 75 के स्क्वायर की बात करूं तो 25 हमें लिख देना है, 7 में 1 8, 8 से कितना आ जाएगा 56। अगर जैसे मैंने बोला 115 का स्क्वायर करना है तो 25 मैंने लिख दिया, 11 से बड़ा हमारा जो नंबर है 12, 11 गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 132, 132 25, ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये, और ये मोस्टली बच्चों को मालूम रहता है, वो लोग यूज करते ही रहते हैं। अगर आप लोग में से किसी को नहीं मालूम है तो आप इसको सीख लो। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। तो भाई इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, उनको ये बताना कि भाई स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको इस निंजा टेक्निक सीरीज को उस ऊंचाई तक लेके जाना है, आपको वहां तक पहुंचाना है जहां पर आपको कोई भी सवाल मिले आपको बस एक ही बात बोलनी है, निंजा टेक्निक लगाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी मैं सीरीज में वीडियो डालता रहूंगा और जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।